मिर्जा विधान परिषद के विधायक हैं और यवतमाल जिलाध्यक्ष का पद संभालते हैं, जबकि महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, अध्यक्ष स्टडी बोर्ड गवर्नमेंट लीगल कॉलेज यवतमाल, सदस्य अल्पसंख्यक सभी पद है, जबकि अब महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष का पद भी उन्हें दिया गया है। यवतमाल जिले में कांग्रेस की स्थिति पहले से ही बहुत खराब है, ऐसे में कांग्रेस को लोगों से टूटते संपर्क को बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। अगर एक ही व्यक्ति को 6 पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है, नवोदित कार्यकर्ताओं को मौका दिया बिना, तो क्या कांग्रेस के अच्छे दिन होंगे? ऐसे कई सवाल कांग्रेस धड़े की मौजूदगी में पूछे जा रहे हैं। हाल ही में उदयपुर में कांग्रेस ने नई ऊर्जा के लिए नवसंकल्प शिविर लगाया और सर्वसम्मति से एक व्यक्ति एक पद, एक परिवार एक टिकट पर निर्णय लिया। हालांकि यवतमाल में केवल एक व्यक्ति के पास विधायक, राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, वसंतराव नाईक शासकीय मेडिकल कॉलेज यवतमाल, सदस्य अध्ययन समूह, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग शैक्षिक नीति तैयार करने के साथ है, जिससे कांग्रेस नेताओं में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। एक कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गलत संदेश भेजकर कुछ नेताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महिंद्र की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।